गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉल गई है। जी जी मैम, थोड़ा मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। बताइए। मैम, मुझे पहले तो एक दो कोर्स के बारे में पूछना था कि इलाहाबाद में एग्रीकल्चर और BA LLB नहीं है क्या? BLLB हाँ, BA LLB और BSc एग्रीकल्चर। है सर, अच्छा, और BSc एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर नहीं। अच्छा, ठीक है। और दूसरा मैम, BA Arts सोशल का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है हाँ, उसमें मैम 11th का फॉर्म रिजल्ट मांगा गया है, उसका रोल नंबर मांगा गया है, मार्क्स मांगे गए हैं। तो ये एक्चुअली मैम इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका कोई सलूशन? नहीं तो उसमें 11 का फिल करना है सर। एक्चुअली मैम आपको मैम 11 जो होता है, कई बार हम लोग मैम होम बोर्ड से मतलब हम लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो 11th के मार्क्स हम लोग को। नहीं तो फिल तो करना 11 का ही, बाकी आप मेल कर दीजिए, इसके लिए मेल से ही रिवर्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेल करके मतलब अपनी प्रॉब्लम्स अगर शेयर करते हैं तो वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। हेलो जो भी मैम, इन्फॉर्मेशन होगी आपको मेल से थ्रू मिल जाएगी। मीन्स मेल पे क्या लिखना है? जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है सर कि 11 की डिटेल आपके पास नहीं है, क्योंकि इसमें फिल करना इम्पोर्टेंट है, बिना फिल किए आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं फॉर्म को। अच्छा, तो जी मतलब मेल करने पे ही पता चलेगा कि आगे क्या करना है, आपके पास कोई मतलब इसका सलूशन नहीं है? हमारे पास जो सोल्यूशन है, ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि आपको बिना फिल किए आप सबमिट नहीं कर सकते हैं, उसको फिल करना मैंडेटरी है। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू थैंक यू।